इंडिया में टेक इंडस्ट्री इज द हाईएस्ट पेइंग, मतलब अगर टेक में जॉब लग गई तो पैसा ही पैसा। लेकिन रिसेंटली एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने के लिए मिला है। तो अब सवाल ये है कि टेक में कौन से ऐसे रोल्स हैं जो आगे आने वाले टाइम में अबंडेंस में रहने वाले हैं, यानी जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है, और कौन से ऐसे रोल्स हैं जिनमें हाईएस्ट सैलरीज मिलेंगी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने 7 हाईएस्ट पेइंग टेक रोल्स लिस्ट डाउन करे हैं जिनकी डिमांड आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाली है। हर एक रोल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड हैं टू गेट इनटू दैट रोल, फ्रेशर फ्रेंडलीनेस कितना है ये रोल, यानी फ्रेशर्स कितना इजीली इस रोल को क्रैक कर सकते हैं, सैलरी रेंजेस क्या मिलती हैं, सीनियर लेवल पे सैलरीज क्या होती हैं, एंड ग्रोथ का स्कोप कितना है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव, वॉच टिल दी एंड हर एक चीज़ को ध्यान से सुनना। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आई हैव पार्टनर्ड विद इंडीड फॉर दिस वीडियो, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट सबसे पहले लेट्स गेट इन द लिस्ट। सबसे पहला रोल है SDE और SWE, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस रोल के बारे में आप सभी को पता होगा, Amazon, Microsoft, Google जैसे टेक जायंट्स इस रोल के लिए हायर करते हैं, एंड SDE रोल सबसे ज़्यादा अबंडेंस में भी है, बिकॉज हर कंपनी में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं SDE, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हर तरीके का काम करवा लिया जाता है, चाहे वो डेवलपमेंट का टास्क हो, नया फीचर बनाना हो, बग्स फिक्स करने हो, या फिर मेंटेनेंस करनी हो, किसी चीज़ का इंप्रूवमेंट करना हो, एवरीथिंग कम्स अंडर SDE रोल। अब ये रोल सबसे ज़्यादा अबंडेंस में पहले भी था और अभी भी है। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट है, देन दिस कैन बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू। इंडिया में इस रोल के लिए जो स्टार्टिंग सैलरीज होती हैं, जो कई सारे स्टार्टअप्स एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज देती हैं, दैट इज समवेयर अराउंड 7 to 8 LPA। कुछ अच्छी कंपनीज 15 to 20 LPA भी फ्रेशर्स को ऑफर करती हैं, और अगर हम लोग बात करें हमारे सबके फेवरेट टेक जायंट्स की, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, तो 40 to 50 LPA यहाँ पर ऑफर किया जाता है एट एंट्री लेवल। अब इंडिया से बाहर भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, एंड यू कैन इजीली गेट 100K USD, यानी अराउंड 85 LPA के आसपास आपको एज अ फ्रेशर आउटसाइड इंडिया मिल जाता है। सीनियर लेवल पे अगर आप इंडिया में काम करते हैं तो कुछ टाइम बाद ही जब आप SDE 2 या फिर SDE 3 बन जाते हैं, तो आपका जो पैकेज है वो बढ़ करके 50 LPA 60 LPA तक हो जाता है। एंड द मैक्स दैट आई हैव हर्ड, सबसे ज़्यादा पैकेज जो मैंने सुना है अभी तक, इसकी कोई लिमिट नहीं है वैसे, और जो मैंने सुना है दैट इज़ अराउंड 10 CR अ ईयर इन इंडिया। एक स्टार्टअप था जिन्होंने ये पैकेज ऑफर किया था एट अ VP लेवल, ठीक है, एंड द प्रोफाइल वॉज SDE प्रोफाइल। चलिए अब बात करते हैं ईज ऑफ एंट्री की, तो आई वुड रेट इट 4 out of 5, यानी इट इज़ प्रिटी ईजी टू एंटर, क्योंकि कैंपस में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज SDE रोल के लिए जाती हैं, एंड ऑफ कैंपस ड्राइव्स भी चलती हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल रोल है, एंड इसमें एंट्री लेना इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं बात करूँ अबंडेंस की, आई वुड रेट इट 5 out of 5, क्योंकि मार्केट में पहले भी SDEs की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा थी और अभी भी SDEs की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि AI के आने से ये रोल अचानक से इम्पैक्ट हो गया और मार्केट से जाने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक फ्रेशर हो जिसने अभी अभी BTech ज्वाइन किया है और उसका गोल है कहीं ना कहीं गूगल माइक्रोसॉफ्ट में SDE बनना, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपका फ्यूचर सेफ है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये रोल एकदम से खत्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसीज है, बहुत ज़्यादा SDEs की रिक्वायरमेंट है मार्केट में। चलिए जानते हैं इस रोल को क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। देर आर 3 things, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड डेवलपमेंट स्किल्स। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आ जाता है, आपको DSA पे अच्छी कमांड हासिल करनी है। सेकेंड थिंग इज सिस्टम डिज़ाइन, काफ़ी सारी कंपनीज जो पहले सिर्फ DSA पूछा करती थी फ्रेशर से, अब वो फ्रेशर से सिस्टम डिज़ाइन भी पूछने लग गए हैं, तो लो लेवल डिज़ाइन एट अ फ्रेशर लेवल आपको आना चाहिए और हाई लेवल डिज़ाइन एट अ सीनियर लेवल आपको आना चाहिए। दूसरा चीज़ कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जिसमें आपके आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप लोग कर लेंगे, दैट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज। थर्ड चीज़ जो मैंने आपको बताई, डेवलपमेंट स्किल्स, किसी भी टेक स्टैक में आपको अच्छी डेवलपमेंट स्किल्स आनी चाहिए, चाहे वो फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, अगर आप AI ML भी इसके साथ मिक्स कर सकते हैं, दैट इज़ चेरी ऑन द केक, बट एटलीस्ट आपको एक डेवलपमेंट स्किल अच्छे से आनी चाहिए। एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, LinkedIn के सर्वे के हिसाब से SDE जो रोल है दैट इज़ इन द top 3 जॉब्स इन डिमांड। नेक्स्ट रोल इज़ AI इंजीनियर। अब तक ये सिर्फ एक बजवर्ड लगता था, लेकिन जब से ChatGPT आया है तब से हमें एक्चुअली AI इंजीनियर्स की जो डिमांड है वो ग्रो होती हुई दिखी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस रोल के लिए क्या क्या चाहिए, सैलरीज वगैरह कितनी यहाँ पर आपको मिलती हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एक AI इंजीनियर करता क्या है। AI इंजीनियर्स डिजाइन AI एंड ML आर्किटेक्चर, इंप्लीमेंट्स एंड ऑप्टिमाइज मॉडल्स, और इन मॉडल्स को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करते हैं APIs के थ्रू। इंडिया में फ्रेशर लेवल पे यू कैन एक्सपेक्ट 15 to 25 LPA पैकेज, सीनियर लेवल पे यू कैन एक्सपेक्ट 60 to 70 LPA पैकेज, और अगर हम लोग बाहर की बात करें
तो आप लोग न्यूज़ में सुनते ही होंगे कि AI इंजीनियर्स के जो पैकेजेस हैं वो मिलियन डॉलर्स में पहुंच चुके हैं। इस रोल को क्रैक करने के लिए आपको किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है? यू विल नीड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, डीप लर्निंग, पाइथन, टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च और थोड़ा डेटा हैंडलिंग। एक और सॉलिड फैक्ट, गोल्डमैन सैक ने बोला था कि ग्लोबली 300 मिलियन जॉब रोल्स इंपैक्ट होंगे, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे जॉब रोल्स क्रिएट भी होंगे। यानी एक तरफ जहां लोग अपनी जॉब लूज कर रहे होंगे, AI इंजीनियर्स करोड़ में कमा रहे होंगे। तो आज के टाइम पे जो भी AI में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, आगे आने वाला एरा उसके लिए एक गोल्डन एरा साबित हो सकता है। अब इस रोल के लिए मैं अगर ईज ऑफ एंट्री की बात करूं तो इट इज नॉट दैट इजी। आई विल रेट इट 2 out of 5, बिकॉज यहाँ पर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे इंटर्नशिप या फिर मास्टर्स या PhD की डिग्रीज रिक्वायर्ड होती हैं, तभी कंपनीज आपको इतना अच्छा पैकेज देती हैं। फ्रेशर लेवल पे यहाँ पर एंट्री लेना इज नॉट दैट इजी, बट अभी किसी किसी कंपनी में फ्रेशर लेवल पे ये रोल ओपन कर दिया गया है, ऑल्दो नॉट सो मच, बट किसी किसी कंपनी में यू कैन इवन एंटर एज अ फ्रेशर विद अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अबंडेंस ऑफ जॉब की बात करें, आई विल गिव इट 4 out of 5, बिकॉज इट इज प्रीटी अबंडेंट नाउ। बहुत सारी कंपनीज में AI इंजीनियर्स रिक्वायर्ड हैं, नॉट एज मच एज SDs, उससे तो कंपैरेटिवली काफी कम है, बट स्टिल इट इज वेरी हाई इन डिमांड। नेक्स्ट रोल इज प्रॉम्प्ट इंजीनियर। अब ये रोल 2-3 साल पहले मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रोल सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा होगा, बिकॉज आजकल हम सभी लोग AI को प्रॉम्प्ट देके उससे कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर निकलवाते हैं। ऐसे ही प्रॉम्प्ट इंजीनियर का काम होता है AI को एक इनपुट देना, इंस्ट्रक्शन देना, जिसको हम लोग प्रॉम्प्ट बोलते हैं, और मेक श्योर करना कि जो मॉडल आउटपुट दे वो एक कॉन्टेक्स्ट एक्यूरेट आउटपुट हो। अब ये मैं सोचना है कि ये क्या रोल हुआ, ये तो मैं भी कर लूंगा। यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड है, कॉन्टेक्स्ट की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को भी इंडिया में अच्छी खासी सैलरीज मिल रही हैं, 15 to 30 LPA। मैंने रिसेंटली एक अमेजोन के प्रॉम्प्ट इंजीनियर से बात करी थी एंड शी वॉज गेटिंग समवेयर अराउंड 30 LPA पैकेज। और एक और फैक्ट, 2023 में एंट्रोपिक और ओपन AI ने प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हायर किए थे एट अ सैलरी ऑफ 335K USD, यानी लगभग 2.5 करोड़। मतलब सोच लो, अगर आपके पास सही आंसर्स, सही इंस्ट्रक्शंस देने की स्किल है तो आप लोग करोड़पति बन सकते हैं। ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आई विल गिव इट 4 out of 5। यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टूल जो आप यूज कर रहे हो, आपको कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अबंडेंस में आई विल गिव इट 1 out of 5। ये बहुत ही नीश रोल है, बहुत ही कम कंपनीज हैं जो इस रोल के लिए हायर करती हैं। अमेजोन ने रिसेंटली हायर करना स्टार्ट किया है, सो नॉट अ लॉट ऑफ कंपनीज आर हायरिंग फॉर इट राइट नाउ, बट आई होप फ्यूचर में ये रोल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। अभी हम बात कर रहे थे प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसे नए रोल की, और एक चीज क्लियर है, टेक इंडस्ट्री में हर साल नए करियर ऑप्शंस आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि प्रैक्टिकल और जेन्युइन करियर एडवाइस मिलना मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई आई हैव पार्टनर्ड विद इंडीड इंडिया। इनके यूट्यूब चैनल पे आपको मिलता है करियर एडवाइस जो कि डायरेक्टली जॉब सीकर्स के मोस्ट सर्च क्वेश्चंस को आंसर करता है। मतलब जो डाउट्स आपके माइंड में होते हैं, जैसे कौन सी जॉब राइट है, जॉब सर्च कैसे करें, स्किल सेट कैसे अपग्रेड करें, इन सभी का गाइडेंस आपको वहां मिलेगा, सो दैट यू कैन स्टे अहेड इन योर जॉब सर्च। So do make sure to check out their videos and subscribe to Indeed India's YouTube channel for career related advice. Aur ha, recently I have also collaborated with them to bring an insightful video. Us video mein maine breakdown kiya hai ki interviews mein Java kaise test hota hai, core concepts jin pe zyada focus hota hai, and kuch aise important Java interview questions jo baar baar puche jaate hain. To agar aap ek beginner ho ya career switch plan kar rahe ho, ye video aapke liye bahut useful hone wala hai. So do check it out. Link niche description mein hai. अब चलिए हम अपनी लिस्ट की तरफ वापस चलते हैं। नेक्स्ट रोल इज डेटा साइंटिस्ट। इसको आप AI इंजीनियर का कजिन समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस डेटा पे होता है। डेटा को एनालाइज करना, उसको विजुलाइज करना और उस डेटा से इंसाइट्स निकालना। डेटा साइंटिस्ट को आप मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजर भी बोल सकते हैं, यानी कि डेटा को देख करके प्रिडिक्ट करना कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। इंडिया में डेटा साइंटिस्ट को ऑन एन एवरेज 12 to 18 LPA मिल जाता है, और कुछ अच्छी कंपनीज में 30 to 40 LPA भी मिल जाता है। इस रोल की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज बाय द एंड ऑफ 2025 दुनिया का जो डेटा है दैट इज गोइंग टू रीच 180 ज़ेटाबाइट। इस ओशियन ऑफ डेटा को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे डेटा इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। नाउ व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू क्रैक दिस रोल? यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, SQL, पाइथन और R, मशीन लर्निंग बेसिक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस नॉलेज। इस रोल की खास बात यह है कि हर इंडस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फाइनेंस हो, ई कॉमर्स हो, हेल्थ केयर हो, टूर्स एंड ट्रेवल्स हो,
हर जगह डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ईज ऑफ एंट्री की बात करें तो आई विल गिव इट 3 out of 5, बिकॉज अगेन यहाँ पर फ्रेशर्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आइदर यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस और अ गुड डिग्री PhD या फिर मास्टर्स, और यू नीड टू हैव अ रियली गुड प्रोफाइल एट किगल। अबंडेंस की अगर बात करें तो आई विल रेट इट 4 out of 5, काफी अबंडेंट है, काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है मार्केट में, लेकिन कॉम्पिटिशन भी उतना ही ज्यादा है। नेक्स्ट रोल इज क्लाउड आर्किटेक्ट और क्लाउड इंजीनियर। अब आपको पता है कि दुनिया में जितने भी MNCs हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, उन सभी का इंफ्रा क्लाउड पे है। और एक क्लाउड आर्किटेक्ट का काम होता है ये डिसाइड करना कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिक्योर, स्केलेबल और कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से कैसे सेटअप होगा। अगर हम सैलरीज की बात करें तो यू कैन एक्सपेक्ट 20-30 LPA एट मिड लेवल एंड 50+ LPA एट सीनियर लेवल। अब कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं इस रोल को क्रैक करने के लिए? यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाउड सर्विसेज लाइक AWS, Azure और GCP, DevOps टूल्स, नेटवर्किंग एंड सिस्टम सिक्योरिटी। गार्टर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 तक 65% कंपनीज अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे शिफ्ट कर चुकी हैं। यानी आगे आने वाले फ्यूचर में क्लाउड इंजीनियर्स की और क्लाउड आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट और बढ़ने वाली है। ईज ऑफ एंट्री में आई विल गिव इट 1 out of 5, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, फ्रेशर्स के लिए इतना आसान नहीं है इस रोल को क्रैक करना। अबंडेंस में आई विल गिव इट 4 out of 5, बिकॉज इट इज प्रीटी अबंडेंट, हर एक कंपनी को क्लाउड इंजीनियर्स रिक्वायर्ड होते ही होते हैं। बट अगेन एज आई सेड कि फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इस रोल को क्रैक करना टफ है। नेक्स्ट रोल इज साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। अब जैसे जैसे पूरी दुनिया डिजिटलाइज होती जा रही है, हर एक चीज ऑनलाइन जाती जा रही है, वैसे वैसे हैकर्स भी एक्टिव होते जा रहे हैं। हर 39 सेकंड में ग्लोबली एक साइबर अटैक होता है। तो साइबर सिक्योरिटी एक एवरग्रीन फील्ड है एंड इसकी डिमांड आगे आने वाले फ्यूचर में और भी ज्यादा होने वाली है बिकॉज ऑफ द एनहांसमेंट्स एंड द टूल्स दैट AI इज डेवलपिंग। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का काम है कंपनी के सिस्टम्स को सिक्योर करना, उन्हें रोबस्ट बनाना और थ्रेट से दूर रखना। एज अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट इंडिया में एट अ फ्रेशर लेवल यू कैन अर्न 10-15 LPA, एट अ मिड लेवल यू कैन अर्न 30-40 LPA, और अगर आप एक रिसर्चर हो यू कैन अर्न अराउंड 1 CR। और अगर आपको एक्चुअल में इसमें इंटरेस्ट है, देयर आर लॉट ऑफ बग बाउंटी प्रोग्राम्स एज वेल, उन बग बाउंटी प्रोग्राम से भी यू कैन अर्न ऑन टॉप ऑफ योर सैलरीज। अगर मैं इंडिया के करंट सिनेरियो की बात करूं तो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक तो AI भी एक बजवर्ड हुआ करता था एंड रिसेंटली हमने देखा कि जॉब मार्केट में AI इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। उसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी कैन बी द नेक्स्ट बिग बूम और इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज आजकल AI की मदद से इतना सारा डेटा जनरेट हो रहा है, इतने सारे टूल्स बनाए जा रहे हैं दैट देर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ थ्रेट्स टू द सिक्योरिटी, एंड इसी के लिए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स काफी ज्यादा इन डिमांड हो सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द स्किल्स रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर आपको नेटवर्किंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंक्रिप्शन, थ्रेट डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी टूल्स आने चाहिए। अगर मैं ईज ऑफ एंट्री की बात करूँ आई विल गिव इट 3 out of 5, बिकॉज यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से जैसे कंपनीज कैंपस में जाके SDEs को हायर करती हैं, उस तरीके से यहाँ पर अभी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को तो हायर नहीं किया जा रहा है। देर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट हैकाथॉन्स, डिफरेंट बग बाउंटी प्रोग्राम्स जिनके थ्रू आप एक कंपनी में साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, एंड यू ऑल्सो नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस एज वेल। अबंडेंस में भी आई विल गिव इट 3 out of 5, बिकॉज राइट नाउ द सिनेरियो इज कि साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट तो है बट इतनी नहीं जितनी कि SDEs एंड AI इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, बट आगे आने वाले फ्यूचर में इट कैन डेफिनेटली बी एट पार विद AI इंजीनियर्स। फाइनली द लास्ट रोल इज MLOps और DevOps इंजीनियर। अभी जो ऑप्स इंजीनियर है इसका काम क्या होता है? ऑप्स इंजीनियर इज अ ब्रिज बिटवीन डेवलपर एंड ऑपरेशंस, एंड MLOps बेसिकली DevOps प्लस AI का कॉम्बिनेशन है। इनका काम होता है कि मशीन लर्निंग मॉडल सिर्फ बनाए ही ना जाएं, बल्कि एफिशिएंटली डिप्लॉय हों और रियल वर्ल्ड में स्मूथली चले भी। इंडिया में ऑप्स इंजीनियर को एट एन एंट्री लेवल अराउंड 12-20 LPA सैलरी मिल जाती है एंड एट अ सीनियर लेवल 35-40 LPA मिल जाती है। नाउ व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू क्रैक दिस रोल? यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ CI/CD पाइपलाइंस, डॉकर, क्यूबरनेटिस, स्क्रिप्टिंग, ऑटोमेशन टूल्स एंड MLOps के लिए मशीन लर्निंग की बेसिक नॉलेज भी होना जरूरी है। ईज ऑफ एंट्री में आई विल गिव इट 3 out of 5, बिकॉज यू नीड टू हैव द इंफ्रा लेवल अंडरस्टैंडिंग एंड यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोर्स ऐसे हैं जो कि कॉलेजेस में, ट्रेडिशनल कॉलेजेस में कवर नहीं होते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू चेक आउट आवर MLOps कोर्स तो यू कैन गो टू LearnYard.com एंड वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छा डिटेल्ड MLOps का कोर्स बनाया हुआ है जिसमें हमने सारे बेसिक्स कवर किए हैं। अगर मैं अबंडेंस की बात करूँ आई विल गिव इट 3 out of 5। इस रोल की डिमांड फ्यूचर में काफी ज्यादा होने वाली है, जैसे जैसे AI इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे MLOps इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। बट राइट नाउ द सिनेरियो इज कि एज कम्पेयर टू डेटा इंजीनियर एंड AI इंजीनियर डिमांड थोड़ी सी रिलेटिवली कम है। सो दिस वॉज माई लिस्ट ऑफ टॉप 7 जॉब प्रोफाइल्स विच कैन गिव यू हाईएस्ट सैलरी एंड जिनकी डिमांड आगे मार्केट में बढ़ने वाली है। बट आपको अपने हिसाब से चूज करना है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट।
बिकॉज सैलरी मिले ही कितनी मिले, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपका मन नहीं लग रहा है उस काम में, तो आपको मजा नहीं आएगा। तो इन सभी के बारे में अच्छे से रिसर्च करो एंड चूज द राइट करियर ऑप्शन फॉर यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू कैन प्रेस द बेल आइकन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।